आज हम सब देखने वाले हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बंध अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। नॉन मेटल के बीच में बनता है, अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है समझो। और यह इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तीसरी बात, इसमें दोनों परमाणुओं के द्वारा बराबर के संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है। फिर साझा किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक के लिए गिने जाते हैं। सहसंयोजक बंध अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनता है, दोनों परमाणुओं के द्वारा बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है। साझा किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक के लिए गिने जाते हैं। अब इन सारी बातों का जब अपन देखेंगे, अभी बनाएंगे, ये सारी बातें उपयोग में आएंगी। कैसे, जैसे मैंने बंध बनाया है, जैसे H2 अणु ले लिया, हाइड्रोजन अधातु है, इसमें दो अधातु परमाणु है हाइड्रोजन, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा है जो अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तभी वो अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 100% ये वाला हाइड्रोजन भी इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉनों को साझा कर। और जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। आ रहा है, मान लीजिए इसी का एग्जांपल मैंने ले लिया F2 फ्लोरीन, तो F2 के अंदर 2 फ्लोरीन है, अधातु है दोनों, फ्लोरीन का 9 होता है तो 2 और 7 अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी अंतिम कोष में, 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी अंतिम कोष में, अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इसके पास है, 1 ले लिया 7 1, और जब ये इसको 1 दिया तो ये भी इसको कितने देगा, 1 ही देगा। और जो साझे किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों के अष्टक में गिने जाएंगे, तो 6 इधर है 6 2 8, 6 इधर है 6 2, और साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों के अष्टक के लिए गिने जाएंगे। और जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे एकल संयोजी बंध कहते हैं या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब उसके बाद कोई भी क्लोरीन ले लीजिए, मान लीजिए ये भी 17वें समूह का, 17 होता है इसका, 2 8 और 7, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो 7 1 8, ये भी इसको तब एक ही देगा, 7 1 8। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये एकल सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है? एकल सहसंयोजक बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो अधातु परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित कर। उदाहरण H2 F2 Cl2, एकल सहसंयोजक। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं द्विसहसंयोजक बंध। जैसे O2 है हमारा, तो 9वें समूह का, इसका 8 होता ऑक्सीजन का, 2 और 6, अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है,
तो छह दो, और जब ये इसको दो दिया तो ये भी इसको दो ही देगा, छह दो। ताजे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के लिए गिने जाएंगे, चार चार आठ, चार चार आठ, बात समझ आए कि नहीं। और दो परमाणुओं के मध्य दो दो, अर्थात कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, चार इलेक्ट्रॉनों का साझा, इसलिए डबल बॉन्ड बने। इसे द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं, डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। जब दो अधातु परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल चार इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और ये हमारे पास N2 जिसका सात होता है, दो और पांच, अंतिम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो पांच तीन आठ, पांच तीन आठ, तीन तीन इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल छह इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध, ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित। जब दो अधातु परमाणुओं के मध्य तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल छह इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो त्रिसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, जैसे N2। अब जरूरी नहीं है कि दोनों परमाणु समान ही हो, जरूरी तो यह है कि दोनों अधातु होना चाहिए, और अधातु में आपको याद ही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। मान लीजिए HCl है, आपको पता है कि हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी, तो जब दो अधातु परमाणु होते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास अंतिम कोष में सात इलेक्ट्रॉन, सत्रहवें समूह का है, ठीक है। अब ये एक लेकर के हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी इसको एक देगा तो ये भी कंप्लीट हो गया, कुल एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, नहीं आया समझ में। उसी तरीके से आप बोलेंगे NH3, नाइट्रोजन किस समूह का, पंद्रहवें समूह का है, और नाइट्रोजन जब पंद्रहवें समूह का है, NH3 है, पंद्रहवें समूह का है नाइट्रोजन, अंतिम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, पंद्रहवें समूह का है, सत्रहवें समूह का अंतिम कोष में सात इलेक्ट्रॉन, सोलहवें समूह के अंतिम कोष में छह इलेक्ट्रॉन, पंद्रहवें समूह के अंतिम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तीन जुड़े हैं, एक ले लिया, एक ले लिया, एक ले लिया, आ गया। और जब ले लिया, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, जो बंद बनाने में भाग लेते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, जिसे हिंदी में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर। और जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते, ये वाले, इसको लोन पेयर कहते हैं, कहते हैं लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन को एक गिनते हैं, मतलब अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन है, आ रहा समझ में। दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, और युग्म माने होता है जोड़ा, युग्म माने, और जोड़े में दो को एक गिनते हैं, एक जोड़ी चप्पल, मतलब क्या दो, जैसे पहले एक जोड़ी शर्ट पैंट, समझ गए ना, मतलब दो सेट, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ आए, जोड़ा मतलब कितने, लेकिन गिनेंगे कितने, आगे समझ में। अब आ गया जैसे जल H2O, इसमें सहसंयोजक बंध क्यों है, इसमें सहसंयोजक बंध क्यों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अधातु परमाणु है, ऑक्सीजन हो गया तो सोलहवें समूह का है, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब हाइड्रोजन एक एक ले लिया तो ये दोनों भी इसको एक एक देंगे, तो छह दो आठ, वो भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि बंद बनाने में सिर्फ इधर एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लिए, बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग, ये चारों इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, यही लोन पेयर कहलाएंगे, जिसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म गिनते हैं, तो इसमें कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, चार इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने, दो लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो सहसंयोजी बंध है, इनमें आगे चलकर की बंध लंबाई, बंध कोणीय सब निश्चित कर दी गई, और बोला गया कि कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, कक्षक आपस में क्रिया करते हैं, और कक्षक आपस में क्रिया करके नए कक्षकों का निर्माण करते हैं,
कक्षक आपस में क्रिया करके नए कक्षकों का, और जो नए कक्षक बनते हैं इनको संकरित कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक कहते हैं? संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जितनी संख्या में कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण होता है। यह बात हुई, जितनी संख्या में कक्षक आपस में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का क्या होगा, हमारे पास निर्माण होगा। तो पहला पॉइंट हमको क्या पता चला कि जो भी कक्षक आपस में सहयोग करेंगे नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, और जितनी ही संख्या में पुराने कक्षक आपस में सहयोग करेंगे उतनी संख्या में नए कक्षकों का निर्माण होगा। आ गया समझ में? और इसी में आई बात कि एक यस कक्षक और एक पी कक्षक जब आपस में भाग लेगा तो दो नए संकरित कक्षक का निर्माण होगा, और जो दो नए संकरित कक्षक होंगे ठीक है वो एसपी संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? जब यस का एक कक्षक पी का एक कक्षक आपस में संयोग करेगा दो संकरित कक्षक बनेंगे, कौन सा संकरण होगा? और जब यस का एक कक्षक और पी के दो कक्षक आपस में संयोग करेंगे कौन सा होगा, कितने संकरित कक्षक? तीन संकरित कक्षक बनेंगे, तीन नए संकरित कक्षक, कौन सा संकरण होगा? sp2। जब यस का एक कक्षक पी के तीन कक्षक आपस में संयोग करेंगे कितने संकरित कक्षक बनेंगे? चार संकरित कक्षक बनेंगे, और कौन सा संकरण होगा? थ्री। ये sp, ये sp2 और ये sp3 संकरण। नहीं आया समझ में? जब यस का एक कक्षक पी के तीन कक्षक और डी का एक कक्षक आपस में सहयोग करेगा पांच संकरित कक्षक होंगे, sp3d संकरण होगा, sp3। ठीक है, जब यस का एक पी के तीन और डी के दो छह नए संकरित कक्षक बनेंगे sp3d2 संकरण होगा। जब यस के एक पी के तीन और डी के तीन भाग लेंगे सात नए संकरित कक्षक बनेंगे sp3d3 होगा। याद रखिएगा इसकी बंद कोण 180 डिग्री, इसका बंद कोण 120 डिग्री, इसका बंद कोण याद कर लेना है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बंद कोण 72 90। समझ आया कि नहीं? ये याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे, फिर उसके लिए वो चाहिए अलग से प्रैक्टिकल खरीदना पड़ेगा 20-30 हजार का सामान, नहीं समझ पा रहे तो 20-30 हजार के जो सामान के द्वारा हम इसको समझ पाएंगे बॉन्ड एंगल को समझने के लिए, तो अभी तो याद रखना पड़ेगा। एसपी संकरण, एक एस कक्षक एक पी कक्षक दो संकरित कक्षक एसपी संकरण, समझ में? इस प्रकार से अपन संकरण देखेंगे। जैसा कि आपको पता चल गया है संकरण में कक्षक आपस में सहयोग करते हैं, ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, ओवरलैपिंग होता है और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, और जब यस का एक ऑर्बिटल पी के एक ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज होता है तो एसपी हाइब्रिडाइज कहलाता है। उसी तरह एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी थ्री होता है, एसपी स्क्वायर भी होता है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे। अब यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन निकाले कैसे ये हम सीख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकाला कैसे जाए, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा दो आंसर आ जाए तो एसपी, तीन आंसर आ जाए तो sp2, चार आंसर आ जाए तो sp3, पांच आंसर आ जाए तो sp3d, छह आंसर आ जाए तो sp3d2, और सात आंसर आ जाए तो sp3d। याद रखिए कि sp की हमने बात कर ली है, और मैं कहूं और यदि आपको बताने का प्रयास करूं तो निकालते कैसे हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसे संकरण कहते हैं हिंदी में। सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु प्लस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, प्लस परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम जो एड हो,
किससे एड हो? परमाणुओं से एड हो, उस केंद्रीय परमाणु से कितने जुड़े हैं। जैसे किसी ने कहा कि NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु जो अकेला एटम है नाइट्रोजन है, 15वें समूह का है, अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास लोन पेयर बचा एक, अब परमाणुओं की संख्या जो टोटल परमाणु जुड़े हैं नाइट्रोजन से बचे 3, तो 3 एक और 4 मतलब कौन सा संकरण, sp3। ठीक है, किसी ने पूछा H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो सेंट्रल एटम ढूंढना है, केंद्रीय परमाणु जो अकेला एटम है वो तो कौन है, ऑक्सीजन, 16 ग्रुप का है, अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन है, एक ले लिया एक ले लिया, कितने लोन पेयर बचे, 1 और 2, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर, कितने एटम जुड़े हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के, कितना हो गया, और 4 हो गया, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, आ गया समझ में, आ गया CH4 केंद्रीय एटम, सेंट्रल एटम कौन है जो अकेला होता है, 14 ग्रुप का है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा 4 हाइड्रोजन से, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लोन पेयर कितने बचा, 0, टोटल एटम कितने जुड़े हैं, 4, 0 + 4, 4, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, आ रहा है समझ में। किसी ने कहा PCl5 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, फास्फोरस, हाइड्रोजन के नीचे लिखा होता है, 15 ग्रुप का है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के भी लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 5 जुड़े हैं, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फास्फोरस से ले लिया 7 × 1 = 8, क्लोरीन के पास 7 थे, एक फास्फोरस से ले लिया 8, क्लोरीन के पास 7 थे, एक फास्फोरस से ले लिया 8, क्लोरीन के पास 7 थे, एक फास्फोरस से ले लिया 8, क्लोरीन के पास 7 थे, एक फास्फोरस से ले लिया 8। ठीक है, 5 क्लोरीन थे, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब फास्फोरस के पास एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और क्लोरीन कितना है टोटल, 5, 0 + 5, 5, और जब 5 आ जाता तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। आज समझ में आ रही है, अपने को बताना है कि IF7, ठीक है, BeCl2, BeCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और बता दूं बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17 ग्रुप के हैं, ठीक है, बताना है IF7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, PCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, IF7, BCl2, PCl3। चलिए देखते हैं, बताता हूं मैं आपको, हमको बात करनी है बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 17 ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन 17 ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी बात, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, PCl2 हो गया, ठीक है, एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, और BCl2 के साथ 2 एटम जुड़े हैं, 0 + 2, 2, और जब 2 आता है sp हाइब्रिड है, ठीक है, हाँ, बेरिलियम किस ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, एक ले लिया, क्लोरीन 17 ग्रुप का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ले लिया, बेरिलियम के पास कितने बचे, लोन पेयर 0, और कितने एटम जुड़े हैं बेरिलियम से, तो नहीं आया समझ में, आया था IF7, आयोडीन किस ग्रुप का है, 17 में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ग्रुप का 7, तो 7 × 1 = 8, समझ गए, तो
सात क्लोरीन थे, सात उसके पास इलेक्ट्रॉन भी थे, सारे चले गए। लोन पेयर कितने बचे आयोडीन के पास, क्लोरीन कितने जुड़े हैं, और सात आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्या दिक्कत है, दिक्कत परेशानी कष्ट है ना, ठीक है, होगा तो दे देंगे तुरंत आपको इंजेक्शन दवाई का, बस समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिएगा। जो भी हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे थे, इसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना और बताया है, इसमें पूछ देगा क्वेश्चन देकर के एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और उस समय आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम आगे बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बाद किन चीजों पे, इसमें हमको एक चीज और जाननी है, क्या जाननी है, बंद में जो भी बंद बनते हैं सहसहजी बंद, उनके कुछ गुण हैं, भौतिक गुण, जैसे आयनिक यौगिकों के थे, जिन यौगिकों में सहसहजी बंद पाए जाते हैं, इन विच कंपाउंड हैज फाइंड द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नॉन एज कोवेलेंट कंपाउंड, जिन यौगिकों में सहसहजक बंद पाए जाते हैं उसे सहसहजक यौगिक कहते हैं। तो कौन भौतिक गुण, यदि आपसे पूछता है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, तो सहसंयोजक यौगिकों की जो भौतिक अवस्था, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है, तीनों होती है। आयोडीन ठोस है, ब्रोमीन द्रव है, क्लोरीन गैस है, एग्जांपल के लिए। दूसरी बात, कोई पूछेगा विलेयता, तो बता दूं ये जल में नहीं घुलते, आयनिक यौगिक प्लस माइनस से मिलकर बना होता है, जल में घुल जाता है, ये प्लस माइनस से नहीं मिलते, इसलिए जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में घुल जाता है, तो जल में नहीं घुलेगा, 100% कार्बनिक यौगिकों में घुलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस से मिलकर नहीं बना होता, तो जल प्लस और माइनस वाले को ही घुलता है। अगली बात, वो विद्युत के सुचालक थे, और ये विद्युत के सुचालक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अधिशात्मक गुण प्रदर्शित करते थे, और ये दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, वो वहां पर जो भी हमारे डायरेक्शनल है वो आयनिक क्रिया करते थे, और ये आणविक क्रिया करते हैं, आणविक क्रिया जिसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। मैंने कल जब टॉपिक खत्म किया था तो लास्ट हेडिंग थी आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण, और आज जब आपकी टॉपिक खत्म हो रहा है तो आज का टॉपिक है सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। इसमें सबसे पहला भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद ये जल में विलेय नहीं है, प्लस और माइनस से मिलकर बने नहीं होते, विद्युत के कुचालक हैं, दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, और आणविक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से हमने पिछले दो दिनों में बेहतर तरीके से क्लासेस लेने का प्रयास किया है, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन लास्ट में बात भी करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने पर, और अभी कर ही रहे हैं, ये बेसिक ही काम करेगा जब अपन क्वेश्चन सीरीज कराएंगे आपको नीट के पिछले 10 साल के, ठीक है। आप इस ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।